तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक बार प्यारे से चैनल शर्मा जी इंजीनियर पर। काफी सोच समझ के बोलना पड़ता है, काफी लोग बोलने लगे कि भाई क्या कर रहा है, कुछ भी बोलते जा रहा, आराम आराम से बोला कर, इतनी जल्दी किस बात की है। तो बात बस इतनी सी कि अभी बज रहे हैं सुबह के, नहीं शाम के 4:30, और व्लॉग वैसे इससे पहला जो बनाया था एक्चुअली में थोड़ा इशू की वजह से खराब हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से शूट कर लेंगे, फिर एडिट कर लेंगे और तब जाके डाल देंगे, कोई चाप नहीं है। तो लाइक लास्ट टाइम के मैसिव फेलियर के बाद इस बार हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि बम द फीस्ट करने के लिए चॉकलेट्स बनाने होंगे, और अब हम जाएंगे चॉकलेट बनाने। तो आइए मेरे साथ साथ चलते हम चॉकलेट बनाने की तरफ, सो लेट्स गो। तो यहां मैं आ चुका हूं अपने किचन में, और ये ले लिया है उसको क्या बोलते हैं टोपिया, उसमें अभी पानी चढ़ाएंगे और उसके बाद एक छोटा सा बोल लेकर के चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं रेसिपी नहीं बताने वाला हूँ, बट छोटे छोटे से क्लिप्स दे दूंगा, तो वो आप लोग देख देख के खुश हो लेना, और बीच बीच में मैं तो आके आप लोगों से बात करता ही रहूंगा। तो यहाँ हमने पानी चढ़ा दिया है, और जब तक वो उबलता है तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, जिंदगी में हमारे और आपके दोनों के क्या चल रहा है। तो लास्ट दिन इंडिया जीत गया बांग्लादेश से, काफी ज्यादा मजा आया, और देखते हैं अभी कॉलेज में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला एक इंट्रा कॉलेज है वैसे तो, साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन, तो सोचा है पार्ट लिया जाएगा। तो देन ट्रस्ट मी, जब वहां पे पार्ट लेंगे और जो मेरे दिमाग में जो छोटा सा एक आइडिया आया है, अभी शेयर नहीं करूंगा, जब वो बनाऊंगा तभी वो शेयर करूंगा, और जब वो बनेगा तब उस टाइम के व्लॉग्स देखना अलग लेवल पे जाएंगे, क्योंकि वो चीज ही वैसा सोच के रखा है बनाने का। और कुछ नहीं तो उस टाइम कम से कम दो चीज तो होगा, एक तो व्लॉग की क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी, एडिटिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी, एंड उस टाइम क्या होगा ना आपका जाकर, ये क्या बोलते हैं उसको, कि एक तो वो जो प्रोजेक्ट के टाइम पे जो एक्साइटमेंट और जो लोगों से मिलना मिलना मिलवाना वो एक अलग लेवल पे जाता है, तो जब वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो वो और भी ज्यादा थोड़ा इंटरटेनमेंट पर्पस में चल जाता है। हालांकि ये चैनल ऐसा नहीं है कि मोनिटाइजेशन के लिए खोला गया या फिर कोई फेम एम के लिए खोला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट जस्ट कि अब कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगा तो अपने पास बैकअप के लिए इतना बड़ा तो गूगल ड्राइव देगा नहीं, और पैसे कौन खर्च करने वाला 15 GB के ऊपर, और कितने ही ईमेल आईडी के पासवर्ड याद रखोगे, तो उससे बेटर है यूट्यूब पे डाल दो, आराम से वो पड़े रहेंगे सालों साल। तो चलिए देखते हैं अभी पानी का क्या हाल है, उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, देखते हैं शायद जल्दी उबल जाए। तो ये है अभी मेरे पास चॉको चिप्स, जब तक चॉकलेट नहीं बनता तब तक इसे ही थोड़ा खा लेते हैं, और क्या पता तब तक थोड़ा सा चॉकलेट का काम भी जल्दी जल्दी होने लगे। लेट्स गो। काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है, मैं यहाँ पे पूरा पसीना पसीना होने लगा हूँ, लगता टेस्ट में चॉकलेट, जब बम द फीस चालू होगा या जब आप में से कुछ लोगों को मैं दूंगा खाने को तब बताना उसका टेस्ट कैसा है, बट खाने में जितना वो टेस्ट में अच्छा होता है उससे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, काफी देर तक उसे होल्ड करके रखना पड़ता है, देन बहुत कुछ, बहुत लंबा प्रोसेस है, कम से कम 1-1.5 घंटे का ये होता है, और अब उस बीच में आदमी क्या ही बोलेगा, कुछ व्लॉग में बोलने लायक बचता ही नहीं है, इतना मेहनत, लेकिन लगता है मेहनत तो लगता है भाई, हर चीज में मेहनत है, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते बनाना। डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, पता नहीं क्यों शायद बम द फीस के लिए ये मेन चॉकलेट बन रहा है, लास्ट टाइम जब बनाया था तब भी सोचा था बम द फीस बट कर नहीं पाया, सारे के सारे चॉकलेट्स बांट के खत्म हो गए, लेकिन इस बार किसी को नहीं दूंगा चॉकलेट्स, बम द फीस के लिए हर बार इंस्टाग्राम पे लोकेशन डाल दूंगा, आ जाना वहां पे, बम द फीस किया जाएगा और उसमें ले जाना चॉकलेट, सिंपल। अब या तो मैं इसे चला सकता हूँ या मैं इसे दिखा सकता हूँ, दोनों काम तो एक बार में नहीं होने वाला है। सो
सो मोल्ड्स को चॉकलेट में, नहीं, चॉकलेट्स को मोल्ड्स में भर दिया गया है और अभी डाल देंगे हम लोग इसको डीप फ्रिज में, और उसके बाद देखते हैं थोड़े टाइम बाद कि कैसा बाहर निकलता है। तो चलिए रखते हैं इसे अंदर और चल जाते हैं क्लास देने के लिए। तो यहाँ क्लास खत्म हो गया है मेरा, अब जाते हैं जो चॉकलेट को रखा था निकालते हैं विथ क्रॉस फिंगर और देखते हैं कि फिर क्या हुआ है चॉकलेट का हाल। तो लेट्स गो देखते हैं। तो यहाँ जो चॉकलेट है वो जम तो गया है, ऐसे दिखने में थोड़ा लग सकता है गंदा गंदा सा, बट वो अभी जब क्लियर किया जाएगा और शेप दिया जाएगा तब अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं, निकालते हैं अब इसको मोल्ड से बाहर और लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो फाइनली हमारे चॉकलेट्स बन के रेडी है और अब क्या ही बोल सकते हैं खाने में तो, आ हा 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 हा, बताएंगे बताएंगे और वो तो बात बाकी आप लोग बता ही दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को बस यहीं पे रखते हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।